गाइस, गुड इवनिंग सभी को। और मैं हूँ इस वक्त देवपानी में। जो आप देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत सीनरी है यहाँ पे, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ें भी हैं। और ये मेरे पीछे वहाँ पे हमारे नदी है, देवपानी नदी जिसे हम माना जाता है। तो आप सब सोचते होंगे कि ये देवपानी है कहाँ। ये हमारा देवपानी जो है, हमारा लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के रोइंग के ऊपर साइड में है। ये एक हमारा लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का एक ये प्रसिद्ध जगह है, एक फेमस प्लेस है जिसे हम फेमस प्लेस माना जाता है। और ये एक पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पे माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और जितने लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, वो जब आप अरुणाचल पर विजिट करेंगे तो हमारे लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को भी ज़रा सा नज़र डाल के देखिएगा। यहाँ की खूबसूरती को देखिए आप, इतनी खूबसूरत है। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं। शायद ऊपर वाले ने हमें एक गिफ्ट दिया है, यहाँ पे एक तोहफा दिया है ऊपर वाले ने। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सीनरी, जिसको हमारे कैमरा भी अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे हैं, इतनी ऊँची है पहाड़। यहाँ से होके हम गुजरते हैं देवपानी, देवपानी से होके हम ऊपर जाते हैं सेकेंडरीज की, और उसके ऊपर जाएंगे तो आप बहुत सारे बस्तियाँ भी मिलेंगे और बहुत सारे पहाड़ भी मिलेंगे, और मायूदिया अनिनी वगैरह भी यही के द्वारा चलते हैं। तो हमारे वहाँ ऊपर में एक ब्रिज भी है, उसी ब्रिज के ज़रिए हम पहाड़ तक सर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पहाड़ से बहुत दूर और हमारी पुल से बहुत दूर खड़ा हूँ, जहाँ पे दो नदियों का संगम है। एक सेकेंड ब्रिज की ओर से नदियाँ बहती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है, और दूसरी मेन देवपानी से होके यहाँ तक पहुँच जाती है। दो नदी की संगम है ये। और आप सब देख रहे हैं, सूरज डूबने वाले हैं, शाम के समय है, लेकिन यहाँ से वापस जाने का मन नहीं कर रहे, क्योंकि आप भी यहाँ पर एक बार नज़र डालने आएंगे तो आप भी इस मौसम को देख के, इस खूबसूरत सीनरी को देख के, आप भी यहाँ से वापस जाने का मन नहीं लेंगे। और यहाँ की खूबसूरत को देखने के लिए, इस ऊंची ऊंची पहाड़ों को देखने के लिए, उस चोटी चोटी चिड़ियों की आवाज़ों को सुनने के लिए आप जब यहाँ विजिट करने आएंगे, तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी महीना तक आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप आना चाहेंगे तो यहाँ पर रास्ता बहुत ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ की जो पानी है वो भर जाते हैं, और भर के यहाँ पे बाहर बन जाते हैं, और बहुत सारे चीज़ों को भी यहाँ तहस नहस कर सकते हैं। तो इसलिए सूखे मौसम में आप यहाँ आना है, देखना है यहाँ की खूबसूरत को भी, यहाँ की सीनरी को भी देखना है कितनी खूबसूरत है। मैं भी यहाँ तक पहुँच गया हूँ, वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सूरज भी डूबने वाले हैं, फिर भी इसकी खूबसूरती, इसकी सीनरी ने मुझे यहाँ से वापस जाने से रोकते हैं। तो दर्शकों, आप सब भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग देखना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जब आप आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाएंगे इस खूबसूरत सीनरी के बारे में, और इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ों पे भी आपको हम ले जाएंगे, दिखाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश की एक छोटा सा ज़िला जिसका नाम लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, और उसका प्रसिद्ध प्लेस जो है, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि आप अपने मुँह से, अपने होठों से आप बयान नहीं कर पाएंगे। तो जिस दिन आप यहाँ पर आएंगे, आप लोग जिस दिन यहाँ अरुणाचल का विजिट करने आएंगे, तो लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को भी ज़रा नज़र डाल के जाइएगा। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की मौसम कितनी खूबसूरत है। बहुत ठंड भी हो रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी अभी नहा के आया है। तो गाइस बाय, मिलते हैं कभी दिन। ओके, गुड इवनिंग सभी को।